हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका एमएलटी एजुकेशन पॉइंट पर। और आज हम फिर मिले हैं एक नए टॉपिक के साथ में। आज का टॉपिक है हमारा कार्बोहाइड्रेट। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो पूरे जोश के साथ, कॉपी पेन के साथ और पूरी एनर्जी के साथ बैठ जाइए, क्योंकि आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उससे हमें डेली लाइफ में, अगर हम बात करें डेली डाइट की, तो हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी मिलती है। तो देखो, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, इसका क्लासिफिकेशन क्या है, ये सब हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। और अगर देखा जाए एग्जाम के व्यू से, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम और मेन एग्जाम दोनों में ही ये टॉपिक ना पूछा जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कार्बोहाइड्रेट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आपको पूरी फोकस के साथ आपको इसको पढ़ना है। अच्छे से समझ में आएगा, एक बार में समझ में आ जाएगा। सो बिना कोई देरी के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। कार्बोहाइड्रेट, तो पहली बात तो ये आती है कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। कार्बोहाइड्रेट, देखो इसके नाम में सब कुछ छिपा हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ये कह रहा है कि मैं हाइड्रेट हूं, किसका, कार्बन का। सो क्या कह रहा है फ्रेंड्स ये, कि हाइड्रेट हूं कार्बन का। सो इसको हम लिख लेते हैं हाइड्रेट ऑफ कार्बन। क्या लिख लेते हैं, हाइड्रेट ऑफ कार्बन। अब देखो, कार्बन और हाइड्रेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो, कार्बोहाइड्रेट जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। क्या कह रहा है कि मैं हाइड्रेट हूं कार्बन का, यानी कि H2O और कार्बन यानी कि हाइड्रोजन, यहां पर लिख लेते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ हूं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ हूं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। अब ये हो गई इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन, लेकिन बाद में इस डेफिनेशन को मॉडिफाइड किया गया और इसके अंदर दो ग्रुप और ऐड किए गए। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स सी, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला होता है CnH2ON। ये होता है कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला। ओके, अब हुआ यूं कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा कुछ और भी ऐसे सब्सटेंस है जो कि इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करते हैं। कैसे, मैं बताती हूं। जैसे कि एसिटिक एसिड, यहां पर लिख लेते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, जरा हम देखते हैं, CH3COOH। तो ये इसका मोलिकुलर फॉर्मूला होता है, किसका, एसिटिक एसिड का। लेकिन हम इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला अगर देखें तो वो होता है क्या, C2, इसमें कितने कार्बन है, दो कार्बन, C2H4O2। क्या ये फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। यानी कि एक तरफ से तो एसिटिक एसिड कह रहा है कि मैं कार्बोहाइड्रेट हूं, अगर हम फॉर्मूला को देखें कि मैं कार्बोहाइड्रेट हूं, लेकिन एसिटिक एसिड तो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, इसलिए यहां पर गड़बड़ी हो रही है भाई। तो ये जो सिंपल सी डेफिनेशन हमने बनाई है, हाइड्रेट ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर कार्बोहाइड्रेट बना हुआ होता है, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा था। यहां पर बड़ा कंफ्यूजन हो रहा था कि क्या किया जाए, तो फिर यहां पर इसके अंदर दो ग्रुप और ऐड किए गए। अब हम जरा इसको, इसके थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। यहाँ पर इसके ऊपर ये कंटेन आ गया है, मैं आपको इसको ऐसे बता देती हूँ, आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। इसकी इंट्रोडक्शन में आपको बता देती हूँ एक बार, फिर मैं आगे उसी जहां अपन बात कर रहे थे वही बात करते हैं। देखो, कार्बोहाइड्रेट आर द मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन नेचर, दे आर प्राइमरी कंपोज्ड ऑफ द एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट है ना, मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होता है नेचर के अंदर, और इससे हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी मिलती है। जैसे लिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया, इनसे भी हमें एनर्जी मिलती है, क्योंकि आखिर में जब लिपिड प्रोटीन इनका ब्रेकडाउन होता है ना, तो इनसे भी ग्लूकोज ही बनती है, और ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, और उस कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन करके एटीपी बनती है, और उस एटीपी को हमारी सेल यूज करती है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। यानी कि इसी कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिल रही है, और इसी एनर्जी के कारण कई नए बायो मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं। इसी एनर्जी को हमारी सेल यूज करके कई नए बायो मॉलिक्यूल्स बनाती है। तो कार्बोहाइड्रेट का ना बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। डाइजेशन में भी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन सबसे पहले होता है, सबसे ज्यादा अमाउंट में एनर्जी भी हमें इसी से मिलती है। सो ये क्या है कि मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है।
प्लस आगे कह रहा है ये कि ये ऐसा एलिमेंट है जो कि कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ होता है, एलिमेंट से मिलकर बना हुआ होता है, सॉरी। ओके, अब जो मैं आपको जो बता रही थी कि एक नई डेफिनेशन बनाई गई और उसमें दो ग्रुप ऐड किए गए, तो कौन से ग्रुप ऐड किए गए? उसके अंदर दो ग्रुप ऐड किए गए और एक नई डेफिनेशन बनाई गई कि कार्बोहाइड्रेट मे बी डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, यानी कि जो भी सब्सटेंस कार्बोहाइड्रेट होगा उसके अंदर पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप तो होगा, पॉलीहाइड्रोक्सी सभी के इसमें कॉमन होगा। जैसे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अगर हम ले, ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, तो ग्लूकोज के अंदर पॉलीहाइड्रोक्सी तो होगा ही होगा, लेकिन उसके अंदर या तो एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन्स होगा, दोनों ही साथ में नहीं होंगे, या तो एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन्स होगा। तो ग्लूकोज के अंदर जैसे एल्डिहाइड ग्रुप होता है, फ्रक्टोज के अंदर जैसे क्या होता है, कीटोज ग्रुप होता है, इस प्रकार से होगा, और पॉलीहाइड्रोक्सी जो है वो सभी में कॉमन होगा। समझ में आ रहा है आपको, क्लियर है? अब आगे बढ़ें। पॉलीहाइड्रोक्सी का फॉर्मूला होता है OH, यानी कि मेनी OH ग्रुप्स होंगे, कोई भी मॉलिक्यूल से कार्बोहाइड्रेट का तो उसमें मेनी OH ग्रुप होंगे। एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CHO और कीटोन्स का फॉर्मूला होता है सी डबल बॉन्ड O। इतना आपको क्लियर है, आगे बढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट में। ये कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला होता है जो कि मैं आपको यहाँ पर बता चुकी हूँ, CnH2ON, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स, अच्छे से समझ में आ रहा है आई होप आपको। अब देखते हैं हाइड्रेट ऑफ कार्बन, ये तो आपकी सिंपल डेफिनेशन हो गई। इस हाइड्रेट ऑफ कार्बन में दो ग्रुप ऐड करके इसको मॉडिफाइड किया गया, एक उसमें ऐड किया एल्कोहलिक ग्रुप और एक इसमें ऐड किया एल्डिहाइड और कीटोन्स ग्रुप, एल्डिहाइड और कीटोन्स ग्रुप, कीटोन्स ग्रुप। अब देखिए जिसके पास, सॉरी, एल्कोहलिक ग्रुप यानी कि OH ग्रुप तो सभी के पास में होगा, तो ये क्या हो गया आपका कॉमन, ये कॉमन आपको सभी में मिल जाएगा। मेनी OH ग्रुप्स होते हैं, कितने होते हैं, मेनी OH ग्रुप होते हैं। और अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन की बात करें तो उसमें या तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा या फिर कीटोन्स ग्रुप होगा, कार्बोहाइड्रेट के कोई से भी मॉलिक्यूल्स हो गया, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, ये सभी कार्बोहाइड्रेट है, उनमें या तो एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन्स होगा। अब यदि उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है तो उसको हम कहेंगे एल्डोसिस, और यदि उसमें कीटोन ग्रुप है तो उसको हम कहेंगे कीटोसिस। फॉर्मूला यहां पर लिखा हुआ है एल्डिहाइड का और ये हो गया आपके कीटोन का। आगे आपको मैं स्ट्रक्चर समझाऊंगी तो और भी आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे, बस अपना फोकस यहाँ पर बनाए रखें क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए इंपॉर्टेंस की बात आती है कि कार्बोहाइड्रेट की इंपॉर्टेंस क्या है। कार्बोहाइड्रेट के इंपोर्टेंस में पहला आता है कि एक तो ये मोस्ट अबंडेंट है, सबसे ज्यादा अमाउंट में पाए जाने वाला, लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे ज्यादा इससे एनर्जी मिलती है तो वो है कार्बोहाइड्रेट। सेकंड आता है कि आपकी यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो उसमें से ह्यूमन की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे अंदर एनर्जी के फॉर्म में ग्लाइकोजन के फॉर्म में इसी कार्बोहाइड्रेट को स्टोर भी किया जाता है। तो स्टोरेज फॉर्म में भी कार्बोहाइड्रेट को रखा जाता है, और वो कौन से फॉर्म में रखा जाता है, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो हम ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, जो हम पॉलीसेकेराइड्स खाते हैं उससे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। अगर हमने डाइट में ग्लूकोज लिया है तो ग्लूकोज बनेगा, और ग्लूकोज बनने के बाद में उसी ग्लूकोज से फिर ग्लाइकोजन बनाया जाएगा। ग्लाइकोजन कहाँ पर बनाया जाएगा, आपके लीवर के अंदर। कहाँ पर बनता है, लीवर के अंदर। तो लीवर के अंदर ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनेगा और उसको स्टोर कर लिया जाएगा, और जब भी हमें जरूरत पड़ेगी, जिस दिन हम भूख हड़ताल पे हैं या फिर जिस दिन हमने व्रत रख लिया है, तो उस दिन क्या होगा, हमें तो एनर्जी मिलेगी नहीं, तो फिर ये जो ग्लाइकोजन बचा हुआ पड़ा है हमारे लीवर के अंदर, इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके हमें एनर्जी दी जाती है। तो हमारी बॉडी ना बड़े शातिर तरीके से काम करती है। ओके, अब तीसरे स्टेप्स आते हैं कि आपके जो सेल्स की ग्रोथ होती है, जो फर्टिलाइजेशन होता है, बहुत सारी ऐसी प्रोसेसेस होती है जिसमें कार्बोहाइड्रेट का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। यानी कि यहाँ पर हम लिख लेते हैं सेल्यूलर फंक्शन। सेल्यूलर फंक्शन मतलब कि उसमें आपका आ जाएगा फर्टिलाइजेशन के लिए, सेल की ग्रोथ के लिए,
ये सारी चीजें उसमें आ जाएगी। और किसके लिए? आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो होता है वो किससे मिलकर बना हुआ होता है? उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये हो गई इसके इंपॉर्टेंस। बहुत सारे इंपॉर्टेंस होते हैं, मैं हम यहाँ पर मेन मेन लिख लेते हैं। बाकी और क्या होता है? प्रिकर्सर फॉर किसके लिए? ऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड? जैसे कि फेट हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड फेट हो गया आपका, प्रोटीन हो गया यानी कि प्रोटीन, लिपिड, इनके लिए प्रिकर्सर का काम करता है, यानी कि प्रोटीन और लिपिड के निर्माण के लिए भी कार्बोहाइड्रेट का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। और मैंने आपको एक बात बताई थी इंपॉर्टेंट पहले, कि जब प्रोटीन और लिपिड का ब्रेकडाउन होता है तो आखिरी में ग्लूकोज ही बनती है, और उस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होकर एटीपी बनती है, और हमारी सेल उस एटीपी को एनर्जी के फॉर्म में यूज करती है। इतना आपको समझ में आया? एनर्जी हमारी सेल के लिए बहुत जरूरी है, अगर उसको एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो तो मर जाएगी, क्योंकि वो इतने सारे काम करती है, तो इतना सारा काम करने के लिए उसे इतनी सारी एनर्जी भी चाहिए होगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं भाई। अगला आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन। तो हमने इंट्रोडक्शन और इम्पोर्टेंस पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन के बारे में, कि कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों में बांटा गया है। तो अगर हम बेस्ड ऑन सैकेराइड्स के माध्यम पे देखें, कि बेस्ड ऑन नंबर ऑफ शुगर या फिर सैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, इनके नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा। देखो मोनोसैकेराइड, मोनो का मतलब होता है एक, और सैकेराइड मतलब कि शुगर, यानी कि एक शुगर या फिर वन शुगर मॉलिक्यूल, हम इसको कहेंगे वन शुगर मॉलिक्यूल, यानी कि एक ही शुगर का मॉलिक्यूल्स होगा। इसको आप और ज्यादा ब्रेक डाउन इसका नहीं कर सकते, और ज्यादा इसको आप तोड़ नहीं सकते, ये सबसे सिंपल फॉर्म होगा। तो यहाँ पर इसी मोनोसैकेराइड से आपके डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड बनते हैं। अब डाइसैकेराइड की अगर हम बात करें तो डाई का मतलब होता है दो, यानी कि दो शुगर के मॉलिक्यूल्स, दो शुगर के मॉलिक्यूल्स मतलब कि दो मोनोसैकेराइड जब आपस में जुड़ेंगे तो आपका डाइसैकेराइड बनेगा, यानी कि सब ये मोनोसैकेराइड से ही बन रहा है। किससे बन रहा है? मोनोसैकेराइड से ही सब कुछ बन रहा है। अब देखो डाइसैकेराइड में दो, जैसे सुक्रोज, सुक्रोज जो है वो डाइसैकेराइड है, लैक्टोज डाइसैकेराइड है, माल्टोज डाइसैकेराइड है। अब ये जो डाइसैकेराइड बन रहा है वो दो शुगर के मॉलिक्यूल से बन रहा है, दो मोनोसैकेराइड से, लेकिन वो दो मोनोसैकेराइड सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें माल्टोज, तो माल्टोज आपके ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बना हुआ होता है, तो ग्लूकोज ग्लूकोज सेम है। और अगर हम लैक्टोज की बात करें तो ये ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बना हुआ होता है। अब ग्लूकोज अलग मॉलिक्यूल है और गैलेक्टोज अलग मॉलिक्यूल है, यानी कि सेम मॉलिक्यूल से भी बन सकता है और डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल से भी बन सकता है, लेकिन वो होंगे क्या? मोनोसैकेराइड। अब ओलिगोसैकेराइड की बात करें तो ओलिगो का मतलब होता है फ्यू मतलब कि दो से दस शुगर मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ते हैं, दो से दस मोनोसैकेराइड जब आपस में जुड़ते हैं तो उसको हम ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, जैसे रेफिनोस। देखो ओलिगोसैकेराइड और डाइसैकेराइड कई बुक में आपको एक साथ भी मिलेगा, क्योंकि ओलिगोसैकेराइड में ये बोल रहा है कि दो से दस शुगर मॉलिक्यूल्स, तो अगर दो मॉलिक्यूल्स शुगर के आपस में जुड़ेंगे तो वो डाइसैकेराइड बनेगा। तो यहाँ पर हम डाइसैकेराइड भी पढ़ते हैं या ट्राइसैकेराइड, ये जब तीन मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तो यानी कि 10 तक, ट्राई भी हो सकते हैं, डाई हो सकते हैं, ट्राई हो सकते हैं, टेट्रा हो सकते हैं, पेंटा हो सकते हैं। तो रेफिनोज जो है ना वो आपके ट्राई का है, यानी कि ट्राई सैकेराइड यानी कि तीन सैकेराइड जब आपस में जुड़ते हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया प्लस फ्रक्टोज हो गया, जब ये तीन मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ेंगे तो आपका रेफिनोज बन जाएगा, और तीन को हम क्या कहते हैं? ट्राई, यानी कि ट्राई सैकेराइड। क्लियर है?
पॉलीसैकेराइड, पॉली का मतलब होता है मेनी, क्या होता है मेनी, मेनी पॉलीसैकेराइड, जब बहुत सारे पॉलीसैकेराइड आपस में जुड़ जाते हैं, बहुत सारे मोनोसैकेराइड यानी कि 10 से भी ज्यादा मोनोसैकेराइड जब आपस में जुड़ रहे हैं तो उसको हम पॉलीसैकेराइड कह देंगे, यानी कि 10 और मोर शुगर मॉलिक्यूल, 10 या 10 से अधिक शुगर मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ते हैं तो पॉलीसैकेराइड कहलाता है। एग्जाम्पल है आपका स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोस। स्टार्च जैसे आपका मिला मिलकर बना हुआ होता है किससे, माल्टोज से। अब माल्टोज में क्या है भाई, माल्टोज किससे मिलकर बना होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से। अब ग्लूकोज 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 को आपस में जोड़ दोगे, बहुत सारे ग्लूकोज आपस में जुड़ जाएंगे तो आपका स्टार्च बन जाएगा। क्लियर है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इन सभी के बारे में एक एक करके हम डिटेल में समझते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देती हूँ कि हम कहते हैं ना कि कार्बोहाइड्रेट मीठे होते हैं, मीठे होते हैं, लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट मीठे नहीं होते हैं। आपके मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड डाइसेकेराइड जो होते हैं वो स्वीटेंड टेस्ट होते हैं, स्वीट टेस्ट के होते हैं, जबकि पॉलीसेकेराइड का जो है ना वो टेस्टलेस होते हैं, पॉलीसेकेराइड आपके टेस्टलेस होते हैं। ओके, ओलिगोसेकेराइड में भी कुछ मीठे होते हैं और कुछ टेस्टलेस होते हैं, तो इसको तो आप बीच का समझ लो, आप इसको स्वीट भी समझ लो और टेस्टलेस भी समझ लो। क्लियर है आपको, आगे बढ़े, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। हाँ भाई, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात फिर से मैं बोलना भूल रही हूँ कि इसमें एक और चीज आती है जिसमें एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो साथ ही साथ हम ये भी देखते जाएंगे कि कहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन बन रहा है। कि इसमें से क्वेश्चन एक और ये बनता है कि एक होती है रेड्यूसिंग शुगर और एक होती है नॉन रेड्यूसिंग शुगर। रेड्यूसिंग और नॉन रेड्यूसिंग शुगर क्या है, इसके ऊपर मैं अलग क्लास ले लूंगी। अभी बस इतना समझ लीजिए आप कि कौन से ऐसे सैकेराइड्स हैं जो कि नॉन रेड्यूसिंग होते हैं। तो सुक्रोज को छोड़कर मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड में जितने भी सैकेराइड, जितने भी शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज लैक्टोज माल्टोज, ये सभी क्या होते हैं, रेड्यूसिंग होते हैं। क्या होते हैं, रेड्यूसिंग होते हैं। कौन कौन, आपके मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड प्लस डाइसेकेराइड एक्सेप्ट सुक्रोज। सुक्रोज आपका नॉन रेड्यूसिंग होता है और यहीं पर क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा शुगर मॉलिक्यूल्स है जो कि नॉन रेड्यूसिंग होता है मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड के अंदर। ओलिगोसेकेराइड में जैसे रेफिनोज की अगर हम बात करें तो यह भी नॉन रेड्यूसिंग होता है। पॉलीसेकेराइड सारे के सारे नॉन रेड्यूसिंग होते हैं। क्लियर है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि हमने साथ ही साथ पढ़ लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, एक एक करके इन सब के बारे में समझते हैं। मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड का मतलब होता है कि वन शुगर मॉलिक्यूल्स, जब एक शुगर मॉलिक्यूल्स, ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, सिंपल फॉर्म होता है, इसके अंदर एक ही शुगर का मॉलिक्यूल होता है, लेकिन इसके अंदर कार्बन की संख्या कितनी होती है, 3 से 7। यानी कि ये जो फॉर्मूला होता है ना आपका CnH2O, इसमें कार्बन की संख्या के आधार पर मोनोसेकेराइड को डिफाइन किया गया है अलग अलग भाग में, कार्बन की संख्या के आधार पर और फंक्शन के आधार पर भी। तो फंक्शन के आधार पर तो जैसे कि हम देखें कि हम कह रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी प्लस एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होता है, तो पॉलीहाइड्रोक्सी तो सभी के पास में होगा। अब मोनोसेकेराइड में कुछ शुगर के मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिनके पास में एल्डिहाइड ग्रुप होगा और कुछ शुगर के मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिनके पास में कीटोज ग्रुप होगा। तो जो एल्डिहाइड ग्रुप जिनके पास में होगा उनको हम एल्डोसिस कहेंगे, जिनके पास में कीटोसिस ग्रुप होगा उनको हम कीटोन ग्रुप होगा उसको हम कीटोसिस कहेंगे। तो ये तो हो गया फंक्शन के आधार पर। अब कार्बन की संख्या के आधार पर की मतलब कि कोई भी शुगर मॉलिक्यूल से उसके पास में कार्बन की संख्या कितनी है, 3 से 7 तक हो सकती है, तो 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है और 7 भी हो सकती है। तो ये कार्बन की संख्या कितनी है उसके आधार पर भी इसका डिवाइडेशन किया गया है। अब मोनोसेकेराइड आपके स्वीटिंग टेस्ट होते हैं, इसको हम और फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, ये सबसे सिंपल फॉर्म होता है, ये सबसे सिंपल फॉर्म होता है, इसको आप और ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, के नॉट ब्रेक डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस ऑन हाइड्रोलाइसिस। जब इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं हम तो और ब्रेक डाउन नहीं होगा। दिस कंसिस्ट ऑफ सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स, यानी कि या तो एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन ग्रुप होगा। पॉलीहाइड्रोक्सी तो सभी के पास में होगा। देखो यहां पर बताती हूं मैं जैसे आपको कि इसको दो भाग में डिवाइड किया गया है, एक तो आपका किया गया है एल्डोस ग्रुप में और एक आपका किया गया है कीटोस ग्रुप में।
ये तो हो गया आपका फंक्शन के बेस पर, फंक्शन के बेस पर। जैसे कि एग्जांपल भी लिख लेते हैं, ग्लूकोज आपका एल्डोज ग्रुप के अंदर आता है और कीटोज आपका सॉरी फ्रक्टोज जो है वो आपका कीटोज ग्रुप के आता है के अंदर आता है। लेकिन इन दोनों के अंदर कार्बन की संख्या 6 है, कार्बन की संख्या 6 है, तो कार्बन की संख्या के आधार पर भी इसका डिवाइडेशन किया गया है। तो इन दोनों को मैं आपको एक साथ बता देती हूँ कि देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड फॉर सिलेक्टेड एग्जांपल, मैंने कुछ सिलेक्टेड एग्जांपल यहाँ पर लिए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए मोनोसैकेराइड का एम्पेरिकल फॉर्मूला भी यहाँ पर दिया गया है कि जैसे अगर कार्बन की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन किसी मॉलिक्यूल में अगर 3 है तो उसको हम कहेंगे ट्रायोस, और उसका फॉर्मूला क्या होगा। अब हमें ये सारे फॉर्मूले हम किसके आधार पर लेंगे, CnH2O(n)। तो कार्बन की संख्या यदि 3 है तो आप यहाँ पर कार्बन की जगह कितना लिख दोगे, 3, और H यानी कि 3 का 2 के साथ गुणा कर लो, 3 × 2 = 6, और O कितनी है नंबर, यहाँ पर नंबर कितने हैं 3, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यानी कि C3H6O3, ये हो जाएगा आपका ट्रायोस। 3 है कार्बन की संख्या, 3 है तो उसको हम कहेंगे ट्रायोस। अब यदि कार्बन की संख्या 4 है तो उसको हम क्या कहेंगे, टेट्रोस। इसका भी फॉर्मूला आप ऐसे ही बनाओगे तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा C4H8O4। इसी प्रकार कार्बन की संख्या यदि 5 है तो उसको हम कहेंगे पेंटोसिस, कार्बन की संख्या यदि 6 है तो उसको हम कहेंगे हेक्सोसिस, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। इसका फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछा जाता है, प्लस ग्लूकोज का एक और नाम क्या होता है, हेक्सोसिस, क्योंकि इसके अंदर कार्बन के 6 संख्या होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नंबर ऑफ कार्बन अगर 7 हुए तो उसको हम कहेंगे हेप्टोसिस, उसका फॉर्मूला हो जाएगा C7H14O7। क्लियर है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस नंबर ऑफ कार्बन की संख्या के आधार पर मोनोसैकेराइड को कैसे डिवाइड किया गया। सॉरी, अब देखिए, अब हमने कहा कि कोई भी शुगर का मॉलिक्यूल्स हो उसके पास में पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप तो होगा, यानी कि OH ग्रुप तो होगा, डिपेंड करता है कि उसके पास में एल्डोस है या फिर कीटोस है। अब एल्डोस है या फिर कीटोस है तो एल्डोस किसके अंदर आता है और कीटोस किसके अंदर आता है, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। देखो के अंदर जैसे दो एग्जांपल हमने लिए हैं, एक हमने लिया एल्डोस का और एक हमने लिया कीटोस का, यानी कि इसका फॉर्मूला तो यही रहेगा C3H6O3, लेकिन ग्लिसरेल्डिहाइड एल्डोस ग्रुप के अंदर आएगा और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन जो है वो कीटोस ग्रुप के अंदर आएगा। एल्डोस का फॉर्मूला होता है CHO, कीटोस का फॉर्मूला होता है C(O)। टेट्रोस यानी कि कार्बन की संख्या यहाँ पर 4 है, लेकिन इरेथ्रोस यहाँ पर एल्डोस के ग्रुप के अंदर आएगा और इरेथ्रुलोस जो है आपके कीटोस ग्रुप के अंदर आएगा। दोनों में कार्बन की संख्या सेम होगी, लेकिन इनको आप टेट्रोसिस ही कहोगे, लेकिन इरेथ्रोस आपके एल्डोस ग्रुप के अंदर आएगा। राइबोस, राइबोस जैसे आपके आरएनए के अंदर होता है ना, आरएनए के अंदर होता है, तो इसकी इसका फॉर्मूला होता है C5, यानी कि यहाँ पर कार्बन की संख्या 5 होती है। तो राइबोस आपके एल्डोस ग्रुप के अंदर आता है, जबकि राइबुलोज आपके कीटोस ग्रुप के अंदर आता है। हेक्सोसिस मोस्ट कॉमन कौन सा है आपका, ग्लूकोज। हम इसी का स्ट्रक्चर भी बनाकर देखेंगे आज कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो ग्लूकोज आपके एल्डोस ग्रुप के अंदर आता है, फ्रक्टोज आपके कीटोज ग्रुप के अंदर आता है, लेकिन दोनों का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। यहाँ पर बस इनके स्ट्रक्चर में ये जो ग्रुप है वो चेंज हो जाएंगे। हेप्टोसिस मतलब कि 7 ग्लूको हेप्टोज और सूडो हेप्टुलोज। देखो आपको यहाँ पर कुछ समझ में आ रहा है कि इनके पीछे में यूलोज लग गया है, यूलोज 3 जगह तो यूलोज लग गया है, तो आप ऐसे ही इसको याद रख सकते हो। वैसे भी इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसको आप आसानी से समझ सकते हो। अब देखिए इन सभी को हम एक एक करके पढ़ेंगे, तो पहले हम आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाकर बता देते हैं। एक बार मैं आपको स्ट्रक्चर बनाकर बता दूंगी तो आप सारे स्ट्रक्चर आसानी से बहुत इजीली बना लेंगे। तो एक हम एल्डोज ग्रुप का स्ट्रक्चर बना लेके देख लेते हैं और एक हम कीटोज ग्रुप का स्ट्रक्चर बनाकर देख लेते हैं। तो जो सबसे कॉमन है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, उसी को हम बना लेते हैं, यानी कि ग्लूकोज। ग्लूकोज हमारा सबसे मोस्ट कॉमन है, क्योंकि इसी को हम यूनिवर्सल शुगर भी कहते हैं। ग्लूकोज को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल शुगर, यूनिवर्सल शुगर,
यूनिवर्सल शुगर क्यों कहते हैं? क्योंकि है ना इसी से हमें एनर्जी मिलती है, क्योंकि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है और इसी से हमें एनर्जी मिलती है। प्रोटीन और लिपिड इन सब का ब्रेक डाउन होकर ही क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, और उसी ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, एटीपी बनती है। उस एटीपी को हमारी सेल यूज करती है एनर्जी के फॉर्म में। ओके, हमारे ब्लड में भी ग्लूकोज होता है, ब्लड शुगर हम कहते हैं। ओके, तो ये यूनिवर्सल शुगर होते हैं। जैसे हमारे ग्रेप्स की बात करें अगर हम, तो सभी फ्रूट्स में वैसे तो फ्रक्टोज होता है, फ्रूट्स फ्रक्टोज, लेकिन ग्रेप्स के अंदर जो है ना वो ग्लूकोज होता है, ग्रेप्स के अंदर ग्लूकोज होता है। इसीलिए डायबिटिक पेशेंट को ग्रेप्स खाने से मना किया जाता है, इसीलिए डायबिटिक पेशेंट को ग्रेप्स खाने से मना किया जाता है। अब देखिए और क्या बता रही थी मैं कि ग्लूकोज आपके कौन से ग्रुप के अंदर आता है? हेक्सोसेस। कितने कार्बन होते हैं इसमें? 6 कार्बन होते हैं, इसीलिए ये हेक्सोसेस ग्रुप के अंदर आता है। हेक्सोसेस ग्रुप के अंदर तो आता ही है, लेकिन यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें कि वो एल्डोज ग्रुप के अंदर आता है, एल्डोज ग्रुप के अंदर आता है या फिर कीटोज ग्रुप के अंदर, तो क्या किसके अंदर आता है? एल्डोज। किसके अंदर आता है? एल्डोज ग्रुप के अंदर, यानी कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है। यहाँ पर आप लिख लीजिए एल्डिहाइड ग्रुप, CHO। अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर में सभी को बहुत कंफ्यूजन रहता है, डर रहता है कि स्ट्रक्चर हमें याद नहीं होता है। तो मैं एक ही बार में आपको स्ट्रक्चर बनाना समझा दूंगी, और उसी स्ट्रक्चर से हम रिंग फॉर्म बनाना भी सीख जाएंगे आज। तो बस आप आपका ध्यान यहाँ पर रखें, एक बार में आपको मैं रिंग बनाना समझा दूंगी, फिर कभी आप नहीं भूलोगे। देखिए सबसे पहले कार्बन, ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। तो हमें सबसे पहले तो 6 कार्बन बनाने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये हमने 6 कार्बन बना लिए। अब इन 6 कार्बन पर आप नंबरिंग कर दीजिए जरा। ये 6 कार्बन है हमारे, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, ये हमने इन पर नंबरिंग कर ली। नंबरिंग करने के बाद ये जो कार्बन के 6 कार्बन की संख्या है, उसमें से पहले कार्बन पर आपको एल्डिहाइड ग्रुप लगाना है, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो एल्डोज से मिलकर बना हुआ होता है। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है CHO, सो सी डबल बॉन्ड ओ और एच, ये यहाँ पर पहले नंबर पे हमने लगा दिया एल्डोज ग्रुप। अब या तो आप थर्ड नंबर पर पहले से लिख दीजिए, या फिर थर्ड नंबर को पहले से छोड़ दीजिए। थर्ड नंबर पर आपको H इधर लिखना है और OH इधर लिखना है, बाकी सभी में आपको OH इधर, OH इधर, OH इधर, इसमें भी OH इधर। ये जो 6 नंबर का कार्बन है आपको इसमें लिखना है CH2OH, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो CH2OH, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इधर भी H और OH, तो आपका क्या बन जाएगा? CH2OH। तो यहाँ पर आप इन सब की जगह CH2OH भी लिख सकते हैं, अभी मैं आगे आपको लिखकर बता दूंगी। अब बाकी की साइड आपको HH लगा दो, बाकी की साइड आपको HH लगाना। ये केवल थर्ड नंबर के कार्बन पर आपको उल्टा सीधा करना है, बाकी सभी की इधर OH OH चलने दे, इधर H H H चलने दे। ये आपका बन गया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। कितने इजी फॉर्म में हमने बना दिया कि पहले नंबर के कार्बन पे आपको एल्डोज ग्रुप लगाना है, बाकी सभी में OH 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 इधर लेना है, केवल थर्ड नंबर के कार्बन पर आपको उल्टा सीधा करना है, OH इधर H इधर। ये आपका बन गया। अब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो है ना वो दो तरीके से बनता है, एक तो लीनियर स्ट्रक्चर बनता है, तो ये हमारा लीनियर स्ट्रक्चर बन गया। अब हमें बनाना है साइक्लिक स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं रिंग फॉर्म बनाना है साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए मैं आपको एक बहुत ही इजी स्टेप्स बताती हूँ। इजी स्टेप्स ये है कि आपका जो पहला नंबर का कार्बन है, जो पहली बेंच वाला लड़का है, उसका 5वीं बेंच वाले लड़के से दोस्ती करवा दीजिए, 5वीं बेंच वाले लड़के से दोस्ती करवा दीजिए। तो ये 1 नंबर का कार्बन जब 5 नंबर के कार्बन के साथ दोस्ती करेगा, तो H उठकर यहाँ पर आ जाएगा, H उठकर यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर O अकेला बच जाएगा, यहाँ पर O अकेला बच जाएगा। तो अब जब H उस यहाँ से H उठकर इसके पास में जाएगा, तो यहाँ से आपका एक बॉन्ड जो है वो हट जाएगा,
यहाँ से एक बोंड आपका हट जाएगा। और अब यहाँ पर एक बोंड हटने के बाद आप देखिए कि क्या यहाँ पर कार्बन की चार वैलेंसी कंप्लीट हो रही है। हम जानते हैं कि कार्बन की चार वैलेंसी होती है, क्या यहाँ पर कार्बन की चार वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, नहीं हो रही है। एक तो आपकी ये हो गई, एक आपकी ये हो गई और तीसरी आपकी ये हो गई। तो अब हमें चार वैलेंसी कंप्लीट करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो सिंगल ओ बचा है, अकेला ओ बचा है, उसको हम यहाँ पर बीच में ले लेंगे ताकि ये इसकी भी वैलेंसी कंप्लीट करेगा और इसकी भी वैलेंसी कंप्लीट करेगा। यहां पर हम बनाकर देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो आप कार्बन बना लीजिए, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें यहां पर CH2OH आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको। पांच नंबर के कार्बन पर क्या बचा, ओ अकेला बचा है क्योंकि एच ऊपर चला गया है। थर्ड नंबर के कार्बन पर इधर एच आएगा, यहाँ पर ओ एच आएगा और यहाँ पर, यहाँ पांच नंबर के कार्बन से एच यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर आपका ओ एच बच जाएगा, ऊपर एच बचेगा। अब ये जो अकेला ओ बचा है, ये अकेला ओ इसकी भी वैलेंसी को कंप्लीट करेगा। इस अकेला, ये अकेला ओ जो है इसकी भी वैलेंसी को कंप्लीट करेगा, तो इस O को हम बीच में ले लेते हैं, इस O को हम बीच में ले लेते हैं जो कि दोनों की वैलेंसी को कंप्लीट कर रहा है, और यहां से हम इस O को हटा देते हैं। ये हमने यहां से इसको हटा दिया। अब इसी को आप घुमा लीजिए, ये आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा। कैसे घुमाना है कि आपका बीच में क्या आ रहा है, ये O आ रहा है, बीच में आपका O आ रहा है ना, ये आपका O आ गया है। एक साइड O से आपका पहले नंबर का कार्बन जुड़ा हुआ है, ये आपका पहले नंबर का कार्बन जुड़ा हुआ है। दूसरे साइड आपके O से पांचवें नंबर का कार्बन जुड़ा हुआ है, दूसरी नंबर, दूसरे साइड आपके O से पांचवें नंबर का कार्बन जुड़ा हुआ है, पांचवें नंबर का कार्बन जुड़ा हुआ है। तो और ये आपका पहला है, तो यहाँ पर फिर दूसरा कार्बन बना लीजिए, दूसरा कार्बन बना लीजिए, फिर यहाँ पर आपका तीसरा कार्बन बना लीजिए, यहाँ पर आपका चौथा कार्बन बना लीजिए, और ये वाला आपका कौन सा कार्बन है, पांच नंबर का कार्बन है। बन गए ना स्ट्रक्चर, बस इतना तो इजी है, कुछ नहीं करना पड़ा। इसको आपने घुमा लिया, बीच में आपने ओ ले लिया, ओ से एक तरफ एक कार्बन जुड़ा हुआ है, एक तरफ पांचवा कार्बन जुड़ा हुआ है। एक के बाद में आपकी अगली संख्या चलने दो, तो भाई छठा नंबर का कार्बन कहाँ गया, छठा नंबर का कार्बन आपका बाहर होता है। अब इसके ऊपर आप नंबरिंग करके ये आपके एच ओ एच जो लिखे हुए हैं उनको लिख दो। तो इधर आपका एच था, इधर आपका एच था, इधर आपका ओ एच था, इधर आपका एच था, और इधर भी आपका एच था। तो पहले नंबर के कार्बन पर क्या है आपका, ओ एच और एच क्या है, सॉरी यहां पर कुछ नहीं, हटा देते हैं। पहले नंबर के कार्बन पर क्या है आपका, पहले नंबर के कार्बन पर एक तरफ है आपका एच और एक तरफ है आपका ओ एच, तो ये हो गया आपका एच ओ एच। दूसरे नंबर के कार्बन पर क्या है आपका, एक तरफ है एच और एक तरफ है ओ एच। तीसरे नंबर के कार्बन पर क्या है आपका, एक तरफ है ओ एच और एक तरफ है एच। चौथे नंबर के कार्बन पर क्या है आपका, एक तरफ है एच और एक तरफ है ओ एच, ठीक है। और पांचवें नंबर के कार्बन पर क्या बचा है आपका, पांचवें नंबर के कार्बन पर देखिए आपका केवल सिंगल एच बचा है, केवल सिंगल एच बचा है, तो यहाँ पर एच लिख लीजिए। छठा नंबर का कार्बन आपका CH2OH ये बाहर होगा। तो ये हमने फाइनली रिंग स्ट्रक्चर बना लिया है, जिसे हम साइक्लिक स्ट्रक्चर कहते हैं। तो आज के बाद आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना तो नहीं भूलोगे मेरे ख्याल से, तो एग्जाम में कभी पूछा जाए तो बहुत ही ईजी स्टेप के साथ आप बना सकते हो इसको। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है कि एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम जो बोलते हैं ना कि अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज, तो यह अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज क्या होता है, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज क्या होता है। आप देखिए यहाँ पर यह अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज जो होता है ना, वो एनोमर्स होते हैं ग्लूकोज के, किसके, ग्लूकोज के एनोमर्स होते हैं, जिसमें से एक हो जाता है आपका अल्फा ग्लूकोज और एक होता है आपका बीटा ग्लूकोज। तो ये हो गया आपका अल्फा ग्लूकोज और ये हो गया आपका बीटा ग्लूकोज, ये हमने यहां पर लिख लिया। अब अल्फा ग्लूकोज हम किसको कहेंगे, इस साइक्लिक स्ट्रक्चर को आप देखिए कि इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में
एच यदि नीचे होगा, अब नीचे से हम समझे तो यानी कि बिलो होगा। तो देखो आप याद रखना स्टेप्स, तो मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे आपको रिमेम्बर रखना है कि बीटा, बीटा किससे आ रहा है, बी से। बिलो किससे आ रहा है, बी से। यदि एच बिलो है तो, यदि एच बिलो है तो वो हो जाएगा आपका बीटा ग्लूकोज। देखो बीटा बिलो एच, बीटा बिलो एच क्या है, एच यदि आपका, एच यदि बिलो है तो आपका बीटो ग्लूकोज हो जाएगा, और एच यदि आपका ऊपर है तो आपका अल्फा ग्लूकोज हो जाएगा। तो आप बीटा बिलो से याद रखिए कि एच बिलो बीटा, तो आपको अल्फा तो आसानी से याद रह जाएगा, उसको तो याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। तो ये वाला जो एच है फर्स्ट कार्बन पे, लेकिन वो कहां पर होगा, केवल फर्स्ट कार्बन पे। पहले कार्बन पर यदि एच आपका ऊपर है तो अल्फा ग्लूकोज हो जाएगा, और एच यदि नीचे है तो बीटा ग्लूकोज हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, या फिर ऐसे अगर याद रखो कि OH यदि ऊपर है, OH यदि ऊपर है तो क्या हो जाएगा आपका बीटा ग्लूकोज, और OH यदि नीचे है तो आपका हो जाएगा अल्फा ग्लूकोज। अब इसको समझने में थोड़ी आपको डिफिकल्टी होगी, इसलिए मैंने जो बताया ना वो बहुत ही आसान तरीका है कि H बिलो बीटा, H यदि बिलो है तो वो बीटा है, बाकी का बचा हुआ जो है H जो है वो ऊपर है तो आपका अल्फा हो जाएगा। ओके क्लियर है। तो ये आपने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर भी बनाकर देख लिया कि कैसे हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब मैं आपको एक स्ट्रक्चर और फ्रक्टोज का बनाकर बता देती हूँ। बनाकर तो क्या, मैंने यहाँ पर पहले से बनाकर बनी बनाई खिचड़ी जो है वो रेडी कर रखी है, बस इसको आपको समझना है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने अभी जो स्ट्रक्चर आपको बताया वो एल्डोज ग्रुप का है। अब आपको कीटोज ग्रुप का स्ट्रक्चर देखना है। अगर आपने ये दोनों समझ लिए तो बाकी के आप सभी आसान तरीके से समझ लोगे। फ्रक्टोज, फ्रक्टोज आपका क्या है, हेक्सोसिस, क्योंकि इसके अंदर 6 कार्बन होते हैं, लेकिन ये किस ग्रुप के अंदर आता है, कीटोज ग्रुप के अंदर। इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं, 6 होते हैं, C6H12O6 इसका फॉर्मूला होता है। फ्रक्टोज सभी फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है, फ्रक्टोज सभी फ्रूट्स में होता है एक्सेप्ट ग्लूकोज, यहाँ पर लिखा हुआ एक्सेप्ट ग्रेप्स, ग्रेप्स में क्या होता है आपका ग्लूकोज, ग्लूकोज होता है। ये स्वीटेंड टेस्ट होता है, स्वीटेस्ट टेस्ट इसका होता है। अब यहाँ पर देखो अलग क्या है, अलग ये है कि यहाँ पर पहले नंबर के कार्बन पर आपका कोई सा भी ग्रुप नहीं आता है, यानी कि इसमें कीटोज ग्रुप है तो वो कीटोज ग्रुप आपके दूसरे नंबर के कार्बन पर आता है। बस ये चेंज यहाँ पर आपको करना है, बाकी का स्ट्रक्चर आपका सेम वैसा ही रहेगा। पहले नंबर के कार्बन पर आप CH2OH लिख दीजिए, सेकेंड नंबर के कार्बन पर आपको यहाँ पर बनाना है इसका किसका, कीटोज ग्रुप, यानी कि सी डबल बॉन्ड ओ, ये आपका कीटोज का ग्रुप होता है। सी डबल बॉन्ड ओ आपका सेकेंड कार्बन पे लिखना है, बाकी थर्ड कार्बन पर आपको उल्टा सीधा करना है, एच इधर OH उधर, बाकी सभी में OH OH चलने दें। तो ये 6 कार्बन लिख लीजिए पहले, तो फिर सेकेंड नंबर के कार्बन पर पहले लिख लीजिए कीटोज ग्रुप, बाकी में एच OH 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 H ऐसे चलने दें। सेम वही स्ट्रक्चर है जो उसका है, बस यहाँ पर सेकेंड नंबर के कार्बन पर आपको कीटोज ग्रुप लगाना है। इसी प्रकार यहाँ पर भी जहां पर कीटोज ग्रुप लगा हुआ है उसका रिएक्शन आप 5 नंबर के कार्बन के साथ करवा दो, वैसे ही रिएक्शन होगी जिसमें वैसे उसमें जैसे हुई थी कि H आपका ऊपर चला जाएगा, O आपका बीच में आ जाएगा, क्योंकि दोनों की वैलेंसी कंप्लीट करेगा, और उसी से आप रिंग फॉर्म बना लोगे। ये O को आप बीच में ले लोगे, O को आपने बीच में ले लिया, एक तरफ आपने जोड़ दिया पहला नंबर का कार्बन, दूसरी तरफ आपने जोड़ दिया दूसरा नंबर का कार्बन। यहाँ पर एक बात और आती है रिंग फॉर्म में कि आपका पहला, वहां पर आपका केवल 6 नंबर का कार्बन बाहर था, लेकिन यहाँ पर आपका पहले नंबर का कार्बन भी बाहर होगा और दूसरे नंबर का कार्बन भी बाहर होगा। ओके पहले नंबर का भी बाहर होगा और दूसरे नंबर का भी बाहर होगा। तो ये तो हो गया आपका पहले नंबर का कार्बन, फिर आपका यहाँ पर पहले नंबर के कार्बन पर यहाँ पर CH2OH के बाद में यहाँ पर क्या बचाता है, ये H छूटकर यहाँ पर आ जाएगा ऊपर, तो यहाँ क्या आ जाएगा OH, ये हो जाएगा आपका थर्ड नंबर के कार्बन पर उल्टा सीधा कर दीजिए, OH को ऊपर ले लीजिए, H को नीचे ले लीजिए, बाकी यहाँ पर H आ जाएगा, यहाँ पर भी H आ जाएगा। 5 नंबर के कार्बन पर आपका केवल H बचेगा, तो H आपने नीचे ले लिया, और ये हो जाएगा आपका 6 नंबर का कार्बन।
क्लियर है, फ्रक्टोज भी आपने अच्छे से समझ लिया। आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, मैंने दोनों के स्ट्रक्चर आपको समझा दिए हैं। अब देखिए हम सेकेंड जो हमारा सैकेराइड आता है, सेकेंड जो हमारी शुगर्स आती है, सेकेंड कार्बोहाइड्रेट का टाइप से डाई सैकेराइड्स। डाई का मतलब होता है दो, यानी कि दो शुगर के मॉलिक्यूल्स। कितने शुगर के मॉलिक्यूल? दो शुगर के मॉलिक्यूल्स जब आपस में जुड़ते हैं तो उसको हम कह लेते हैं डाई सैकेराइड। डाई सैकेराइड फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ टू कंस्टिट्यूट मोनोसैकेराइड ऑन हाइड्रोलाइसिस। जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो दो शुगर के मॉलिक्यूल्स निकलते हैं जो सिंपल फॉर्म निकलते हैं। जब हम माल्टोज का ब्रेकडाउन करेंगे ना तो दो शुगर के मॉलिक्यूल्स निकलेंगे जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे। ओके तो माल्टोज जैसे माल्ट शुगर में होती है। अब माल्टोज जो है वो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बना हुआ होता है। यहाँ पर आपको ये चीज याद रखनी है, सभी में याद रखनी है कि जैसे लैक्टोज है तो लैक्टोज किससे मिलकर बना हुआ होता है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से। सुक्रोज आपका बना हुआ होता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से। सुक्रोज आपका कैन शुगर में होता है और लैक्टोज जो है आपके मिल्क शुगर में होता है। ओके लैक्टोज क्या है? मिल्क शुगर है। समझ में आया? अब जैसे कि हमारा डाइजेशन होता है तो डाइजेशन में पहले अगर हमने पॉलीसेकेराइड लिया है तो पॉलीसेकेराइड से क्या बनेगा? डाइसेकेराइड बनेगा। तो पॉलीसेकेराइड जो हम फॉर्म ले रहे हैं ना, पॉलीसेकेराइड से फिर डाइसेकेराइड बनता है। तो पॉलीसेकेराइड हमने यदि खाया है तो हमारा डाइसेकेराइड बनेगा, यानी कि जैसे कि एग्जाम्पल हमारा माल्टोज बना। अब इस माल्टोज का ब्रेकडाउन होगा किस में? ग्लूकोज में। तो ये ग्लूकोज अलग हो जाएगी और ये ग्लूकोज अलग हो जाएगी, दोनों ग्लूकोज अलग अलग हो जाएगी और इन दोनों ग्लूकोज से अलग अलग क्या बनेगा? इनकी साइकिल चलेगी, इनसे एटीपी बनेगी और इनका सेल हमारी यूज करेगी। इतना आपको क्लियर हो गया? डाइसेकेराइड यानी कि दो शुगर के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। ओलिगोसेकेराइड, ओलिगो का मतलब क्या होता है? फ्यू। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू सैकेराइड, यानी कि फ्यू शुगर के मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ते हैं, कितने? 3 से 10। 3 से 10 शुगर मॉलिक्यूल्स यानी कि 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट। अगर हम डाइसैकेराइड को अलग गिनेंगे तो 3 से 10, और अगर डाइसैकेराइड को भी ओलिगोसैकेराइड के साथ गिनेंगे तो 2 से 10। तो देखो दे कैन फर्दर ब्रोकन डाउन इंटू मोनोसैकेराइड, यानी कि इनको आप और ब्रेक डाउन करेंगे, इनका अगर आप ब्रेक डाउन करेंगे तो इनसे क्या निकलेंगे? मोनोसैकेराइड्स निकलेंगे, क्योंकि ये मोनोसैकेराइड से मिलकर बना हुआ है। अब जैसे दो मोनोसैकेराइड जुड़कर डाइसैकेराइड बनाते हैं, वैसे ही 3 अगर मोनोसैकेराइड जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? ट्राई। 4 जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? टेट्रा। 5 जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? पेंटा। देखिए डाइसैकेराइड्स यानी कि दो शुगर के मॉलिक्यूल जुड़े, इस एग्जांपल जैसे हम लेते हैं माल्टोज जो कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बना हुआ होता है, और ट्राइसैकेराइड जो कि 3 शुगर के मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है, जैसे रेफिनोज जो कि ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बना हुआ होता है। अब ये जो ओलिगोसैकेराइड्स है ना, इसमें सेम शुगर के मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, यानी कि सेम मोनोसैकेराइड भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, तो ये आपका सेम मॉलिक्यूल्स हो गया। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल बताया ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज प्लस फ्रक्टोज, तो ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स हो गए। ओके टेट्रा यानी कि 4 और पेंटा मतलब कि 5 सैकेराइड आपस में जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? ओलिगोसैकेराइड। अब देखिए आप पॉलीसैकेराइड, पॉली का मतलब होता है कि बहुत सारे, यानी कि मैनी। पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी, मैनी सैकेराइड्स। मैनी सैकेराइड्स जब आपस में जुड़ते हैं, बहुत सारे मोनोसैकेराइड जब आपस में जुड़ते हैं, 10 या 10 से अधिक मोनोसैकेराइड जब आपस में जुड़ते हैं तो उसे हम पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। पॉलीसैकेराइड टेस्टलेस होते हैं, टेस्टलेस होते हैं प्लस नॉन रेड्यूसिंग होते हैं, नॉन रेड्यूसिंग होते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। कौन से फॉर्म में होते हैं? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। देखिए यहाँ पर पॉलीसैकेराइड आर द पॉलीमर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट, जब बहुत सारी मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ती है तो पॉलीसैकेराइड बनते हैं। मोर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, लीनियर एज वेल एज ब्रांच्ड। तो पॉलीसैकेराइड जो होते हैं ना वो लीनियर भी हो सकते हैं और ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, यानी कि लीनियर मतलब कि एक जैसी जो लाइन चल रही है सीधी सीधी उसको हम कह देते हैं लीनियर, और ब्रांच यानी कि जिसकी ब्रांचे निकली हुई होती है इस तरीके से, यहाँ पर इनकी ब्रांचें निकल गई है तो वो हो जाएगा आपका ब्रांच।
तो जो ब्रांच स्ट्रक्चर है उसको हम एमाइलोपेक्टिन कहते हैं और जो नॉन ब्रांच स्ट्रक्चर है उसको हम एमाइलोस कहते हैं। तो ये ब्रांच और नॉन ब्रांच जिसे हम एमाइलोपेक्टिन और एमाइलोस कहते हैं ना, ये केवल स्टार्च में ही होता है। कहाँ पर होता है? स्टार्च में ही होता है, यानी कि एमाइलोस और एमाइलोपेक्टिन स्ट्रक्चर केवल स्टार्च में ही होता है। बाकी के पॉलीसेकेराइड भी ब्रांच और नॉन ब्रांच हो सकते हैं, लेकिन एमाइलोपेक्टिन और एमाइलोस केवल स्टार्च में ही होता है। क्लियर है? यहां पर देखिए, अब ये जो पॉलीसेकेराइड हम ले रहे हैं ना, ये पॉलीसेकेराइड आपके दो फॉर्म में होते हैं। एक होता है होमो पॉलीसेकेराइड और एक होता है हेटरो पॉलीसेकेराइड। होमो का मतलब क्या होता है कि जब सिंगल टाइप ऑफ सेम शुगर, जब सेम शुगर मॉलिक्यूल, सेम शुगर यानी कि सेम मोनोसेकेराइड जब आपस में जुड़ते हैं। सेम मोनोसेकेराइड मतलब कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, जैसे एग्जांपल माल्टोज हो गया, माल्टोज हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? होमो पॉलीसेकेराइड। और हेटरो पॉलीसेकेराइड, हेटरो मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट मोनोसेकेराइड जब आपस में जुड़ते हैं तो उनको हम हेटरो पॉलीसेकेराइड कहते हैं। यानी कि यहाँ पर मोनोसेकेराइड का मिक्सचर हो जाता है, जैसे ग्लूकोज भी जुड़ गया, गैलेक्टोज भी जुड़ गया, प्लस फ्रक्टोज भी जुड़ गया, तो डिफरेंट डिफरेंट सेकेराइड्स आपस में जुड़े हैं। यानी कि जो सबसे सिंपल फॉर्म होता है, जब वो सिंपल फॉर्म आपस में एक ही जैसा आपस में जुड़ता है तो उसको हम होमो कह देते हैं, और अलग अलग जुड़ते हैं तो उसको हम हेटरो कह देते हैं। और अगर होमो का एग्जाम्पल हम ले तो जैसे स्टार्च हो गया, स्टार्च आपके होमो में आते हैं, और हेटरोपॉलीसेकेराइड में जैसे हिपेरिन ले लेते हैं। आगे हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं, अभी मैं बताऊंगी, लेकिन एक एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। ओके, अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। पहले हम होमोपॉलीसेकेराइड देख लेते हैं कि होमोपॉलीसेकेराइड कौन कौन से होते हैं। होमोपॉलीसेकेराइड में पहला देखें हम स्टार्च। इनके एग्जाम्पल आप याद कर लो, एग्जाम में यहाँ पर क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि स्टार्च, स्टार्च मिनी प्लांट्स इज स्टोरेज फूड। स्टार्च जो होता है वो प्लांट्स के अंदर स्टोरेज फूड के रूप में होता है। यानी कि जैसे हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज फॉर्म क्या है? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन को हम स्टोर, हमारे अंदर स्टोर होता है, वैसे ही प्लांट्स के अंदर स्टोरेज फूड क्या है? स्टार्च है। अब स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोस किसका पॉलीमर है? ग्लूकोज का। यहाँ पर लिख देती हूँ किसका पॉलीमर है? ग्लूकोज का, यानी कि ये ग्लूकोज से मिलकर बने हुए होते हैं। और होमो है मतलब कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, और ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज को हम क्या कह देते हैं? माल्टोज। क्या कह देते हैं? माल्टोज। क्लियर है? सेकेंड आता है क्या? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन रिजर्व कार्बोहाइड्रेट ऑफ द एनिमल, एनिमल के लिए रिजर्व कार्बोहाइड्रेट है, मतलब की स्टोरेज फूड क्या है? ग्लाइकोजन। जब भी हमें जरूरत पड़ी है एनर्जी की और हमने कोई खाना नहीं खाया है तो फिर इस ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में, और उस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करके हमारी सेल्स एनर्जी का यूज करती है। तो डिपॉजिट इन लीवर, कहाँ पर डिपॉजिट होता है? ये लीवर में, एंड मसल्स एज स्टोरेज मटेरियल। ओके, सेल्यूलोज है, तो सेल्यूलोज मेन कंस्टिट्यूट होता है किसका? सपोर्टिंग टिश्यू ऑफ प्लांट्स, जैसे सेलवॉल होती है टिश्यू की, तो वो भी सेल्यूलोज से मिलकर बनी हुई होती है। हम जो सब्जियां वगैरह खाते हैं तो उसमें भी सेल्यूलोज होता है। इंसुलिन और इनुलिन दोनों अलग अलग चीज है। इंसुलिन एक हार्मोन है जबकि इनुलिन कार्बोहाइड्रेट है। हम जो GFR टेस्ट लगाते हैं ना किडनी के लिए लगाते हैं GFR टेस्ट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जिसे हम कहते हैं। तो किडनी फंक्शन टेस्ट जो जब हम करते हैं तो उसके अंदर ये भी एक टेस्ट आता है। तो ये पॉलीमर होता है किसका? फ्रक्टोज का। फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है, यानी कि ग्लूकोज के पॉलीमर क्या है? स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज, और फ्रक्टोज से मिलकर आपका इनुलिन बना हुआ होता है। लास्ट बचता है डेक्सट्रीन। तो डेक्सट्रीन क्या है? व्हेन स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड बाय द एक्शन ऑफ एसिड और एंजाइम ब्रोकन इनटू डेक्सट्रीन्स। तो यही स्टार्च जो है, जब इस स्टार्च का हाइड्रोलाइज्ड होता है किसके द्वारा? एसिड के द्वारा और एंजाइम के द्वारा, तो इसी स्टार्च से डेक्सट्रीन बन जाता है। यानी कि जैसे कि हमने स्टार्च खाया, हमारे मुंह में हमने स्टार्च मतलब पॉलीसेकेराइड खाया, पॉलीसेकेराइड हमने स्टार्च के फॉर्म में लिया, स्टार्च लिया, तो हमारे माउथ में कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि उसके ऊपर एक्ट करते हैं और उस स्टार्च का ब्रेकडाउन जब करते हैं, स्टार्च का जब ब्रेकडाउन होगा तो माल्टोज, आइसोमाल्टोज और आखिरी प्रोडक्ट जो बनता है वो डेक्सट्रीन बनता है। क्या बनता है? डेक्सट्रीन्स बनता है। तो ये
क्या है, पार्शियल डाइजेशन जब होता है स्टार्च का तब बनता है डेक्सट्रिन्स। क्लियर है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। लास्ट हमारा बचता है हेट्रोपॉलीसेकेराइड। हेट्रो से आप सब समझ ही गए होंगे कि यानी कि अलग अलग मोनोसेकेराइड, डिफरेंट डिफरेंट मोनोसेकेराइड, जब बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मोनोसेकेराइड आपस में जुड़ते हैं तो उसको हम हेट्रोपॉलीसेकेराइड कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पर हिपेरिन, हिपेरिन क्या है, एक एंटीकोगुलेंट है, एंटीकोगुलेंट है जो कि हमारी बॉडी में ब्लड को क्लोट होने से बचाता है। हाइलुरोनिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड क्या है, एक ब्यूटी प्रोडक्ट है, क्या है, एक ब्यूटी प्रोडक्ट है, ब्यूटी प्रोडक्ट है। केराटिन सल्फेट और केराटिन प्रोटीन दोनों अलग अलग चीज है, केराटिन प्रोटीन अलग है, केराटिन सल्फेट अलग है। केराटिन सल्फेट कार्टिलेज में और कॉर्निया में प्रेजेंट होता है। लास्ट एक कोंड्रोइटिन प्रोटीन, कोंड्रोइटिन प्रोटीन नहीं, कोंड्रोइटिन सल्फेट, कोंड्रोइटिन प्रोटीन भी होता है लेकिन यहाँ पर क्या है, कोंड्रोइटिन सल्फेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट है जो कि प्रोटीन के कॉम्बिनेशन के साथ प्रेजेंट होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आज फाइनली हमने कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप्स के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट की इम्पोर्टेंस क्या है और उसका क्लासिफिकेशन क्या है उसके बारे में पढ़ा। तो आई होप आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं किसी अनादर क्लास में अगले टॉपिक के साथ में। सो बने रहिए हमारे साथ में। थैंक यू।